हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्त, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फिजिक्स का वो सबसे इजी पार्ट जहां से 40 मार्क्स का पेपर आता है। ये मतलब मस्ट टू डू वाला है, हर एक बच्चे को 100% ये करना ही करना है। ये 40 मार्क्स फिजिक्स के लड्डू होते हैं बिल्कुल, और आप इन्हें चाहें तो 2 से 3 दिन में भी कर सकते हैं, बट इसे हम प्रॉपर समय देंगे, पूरे 1 वीक का समय देंगे। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करेंगे, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो कवर होंगे, डेली प्रैक्टिस सेशन, सारी चीजें होगी। और कैसे करेंगे ये बताते हैं। इस 7 दिन अगले 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक अगर आप सीरियस हो गए, अगले 6 दिन तक, तो आप मान के चलिए ये 40 के 40 मार्क्स आपके हैं, और इन क्वेश्चन को करने में समय भी सबसे कम लगता है रिलेटेड टू अदर पार्ट ऑफ द। तो फिजिक्स का जो लड्डू है वो मैं बताने वाला हूं। तो फिजिक्स का लड्डू है मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। यहां से वेरिएशन बहुत कम पॉसिबल है, फॉर्मूला बेस्ड एज इट इज सवाल आते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल पार्ट भी है जो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से अपने यूट्यूब के सेशंस में पढ़ाऊंगा। तो शेड्यूल है 18 से लेकर 24 तक का, जिसमें 22 अप्रैल फ्राइडे को अपना एक बीच में ब्रेक रहेगा। फ्राइडे वाले दिन अपन एक फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। अब 18 अप्रैल मतलब कल ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ेंगे, फिर अगले दिन एटम, फिर एक दिन न्यूक्लियाई, और सेमीकंडक्टर को प्रॉपर 3 दिन दिया है। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से परेशान हो जाएं, तो 3 दिन दिया है। एक दिन लॉजिक गेट पढ़ेंगे, एक दिन डिवाइसेस पढ़ेंगे, और एक दिन प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स पढ़ेंगे। तो बहुत आराम से सेमी पूरा पार्ट, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता बच्चा, बाकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। और मजे की बात यह है, आप अपने पास प्रैक्टिस के लिए भी सारी चीजें रेडी हैं, तो कल से जो एक रिगरस प्रैक्टिस है वो भी शुरू हो गई है, हो जाएगी, ठीक है। तो YouTube 10 बजे मिलेंगे सुबह, और शाम को 4 बजे मिलेंगे प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस या तो प्लेटफॉर्म पे करेंगे या YouTube पे आके करेंगे, लेकिन करेंगे, ये मेरा वादा है। अगले 1 हफ्ते तक डेली 50 क्वेश्चन अपन इस प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, और करीब 20-30 क्वेश्चन अपने यूट्यूब के सेशन में, मतलब डेली अपन 70-80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे जा रहे होंगे, जिसमें एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन उस टॉपिक पे जो भी हैं वो कवर हो रहे होंगे। तो ये 1 हफ्ता अगर आपने बहुत ईमानदारी से मेरे साथ दे दिया, तो 40 मार्क्स आपके लड्डू है आपके जेब में आ चुके हैं, ये 40 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और फिजिक्स जब भी अटेम्प्ट करें बेटा, आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट है, तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन दूर दूर के कर लिया करो, बिकॉज वो आपसे 100% आपसे होंगे ही होंगे, और हाई स्कोरिंग है आराम से वहां पे आपका 30, अगर आप 10 मिनट में 40 मार्क्स का पेपर गेन कर लेते हो इसका, तो आपका कॉन्फिडेंस ही एग्जाम में बहुत हाई होगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा शेड्यूल है, शेड्यूल को बहुत ही ईमानदारी के साथ फॉलो करना है अपन सारे बच्चों को। जो ये सारे वीडियो के लिंक्स है ये कहाँ पे मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे, t.me/physics, ओके, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, कल से आ जाओ सुबह 10 बजे, मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। 1 हफ्ते में इसका मतलब खत्म कर देते हैं, थ्योरी पूरी, एक एक पॉइंट कवर, एनसीईआरटी कवर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर, एनसीईआरटी इनसाइडर कवर, पीवाईक्यू कवर, और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है हर टॉपिक पे। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन डेली करते हैं, तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर में अपन 300 क्वेश्चन कर रहे होंगे प्रैक्टिस सेशन में। और डेली के अगर मैं बेयर मिनिमम 20 से 30 सवाल भी मानूं, तो 6 दिन में करीब 150 क्वेश्चन अपन कर रहे होंगे अपने लाइव सेशन में। तो 450 क्वेश्चन अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में कर लेंगे, तो उसके बाहर तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मतलब कि एनटीए पूछ ही नहीं पाएगा। पूरे मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस 1 वीक में जो मैं तुम्हें करा दूंगा, उसी से आएंगे, ये 100% गारंटी है। तो इस शेड्यूल को 18 से 24 तारीख को बहुत ही रेगुलरली फॉलो करें। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि एक दिन में पूरी मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर लो, कि 6 घंटे का लेक्चर लिया फिर 6 घंटे बाद वो पूरा भूल गए, ट्रेन आउट ना हो। तो एक दिन एक चैप्टर, ठीक है, पूरी पूरी यूनिट ना लेके चैप्टर वाइज चल रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे और रिगरस प्रैक्टिस करेंगे। 18 को ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे तो ड्यूअल नेचर की प्रैक्टिस भी 18 को ही होगी, 19 को एटम पढ़ेंगे तो 19 को प्रैक्टिस सेशन एटम का ही होगा, फिर न्यूक्लियाई का। तो जिस दिन जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे शाम को उसका प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, ताकि वो पक्का हो जाए। तो दोस्त, जल्दी से अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहीं पे आपको सारे रिसोर्सेज, शॉर्ट नोट्स, लेक्चर नोट्स, 45 क्वेश्चंस के मोस्ट प्रोबेबल होमवर्क,
सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे मिलने वाली है, रिगार्ड इंपॉर्टेंट अपडेट सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। टाटा बाय बाय, जय हिंद। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस साथ सफर जो है अपना नीट 2020 में उसमें अच्छे मुकाम पे पहुंचे, बढ़िया से पढ़ाई करें, डॉक्टर बने, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।